और काजला जी आपको लड़ाई लड़नी थी 80-20 की, जमीनी हकीकत से शुरुआती दौर से लड़ते आप, आते साथ हमारे। उस दिन कहाँ गए थे आप, तब कहाँ थे आप? आज आपको नर्सेज की बड़ी पीड़ा दिख रही है कि 80-20 हो रहा है और आप एक एप्लीकेशन लगा के इस हियरिंग का जो फाइनल डिसीजन आने आया इसको 4 वीक आगे किसके पास देते हो, क्यों? नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं मेरे सभी नर्सिंग साथी, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, बेरोजगार सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं महिपाल सिंह जाखड़ आज आप लोगों के सामने आया हूं लाइव। मैं अभी तो नहीं आना चाहता था, कोई 80-20 का फाइनल डिसीजन आता उसी दिन मैं आपके सामने आता कि हमने ये लड़ाई कैसे लड़ी, बट आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि ये जो राजनीति की जा रही है, गंदी राजनीति एम्स नर्सेज यूनियन के द्वारा, उसके बारे में बताने के लिए, जो लोग कितनी गंदी राजनीति कर सकते हैं वो आप लोगों के सामने साझा करने के लिए मैं लाइव आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने सबसे पहले शुरुआत कहां से की। देखा जाए तो सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी एम्स पटना के अंदर, 206 वैकेंसी आई थी 80-20 बेस के ऊपर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सभी सीनियर साथियों को बुलाया हमने यहाँ पे, हमारे जो भी सीनियर साथी थे उन सबको साथ लेके, हमारे जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉय थे, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, सब लोग साथ मिलके हम लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग रखी। उसके अंदर हमने बोला कि क्यों ना अपन इसके खिलाफ केस किया जाए। जब हमने केस करने की बात आई तो सबसे पहले हमारा कॉल था किसको जाएगा, ऑल ओवर इंडिया की जो सबसे बड़ी नर्सेज यूनियन है उनको जाएगा। सबसे पहला कॉल हमारा ऑल ओवर इंडिया नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट हरीश कुमार काजला जी को कॉल किया गया। हमने बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे केस फाइल कर रहे हैं और आपको हमको आपकी आर्थिक मदद नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सलाह चाहिए। उसके अंदर वो कहीं बिजी होंगे, जो भी है उन्होंने फोन उठाया, हमसे बात की, कौन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और हमको एक सीधा सा जवाब दिया उन्होंने। शाम को 7:30 के समथिंग हो रहा था, बोलते हैं कि ये यूनियन जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एम्स के लिए बनी है, बाकी किसी एम्स के लिए नहीं। ये बोल के उन्होंने हमारा फोन रख दिया। ये उस टाइम की बात है जब हमने स्टार्टिंग 80-20 केस की थी और हम केट कोर्ट जा रहे थे। फिर हम लोगों ने मिलकर के, यहाँ पे मेरे सीनियर साथी जो भी है इन सब ने मिलकर के एक एडवोकेट किया हमने और केट कोर्ट में केस फाइल किया। इसके लिए देखो नॉर्मल सी बात है, अपन हाई फाइव फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, आर्थिक सहायता की सबको जरूरत होती है। हम लोगों ने पैसे कलेक्ट किए सब ने मिलके, और साथ में कुछ कोचिंग है जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, उनका नाम बताऊंगा मैं फिर से, कभी लाइव आऊंगा जरूर नाम बताऊंगा, जब फाइनल डिसीजन आएगा उसी दिन बताया जाएगा ये बात कि किसने हमारी कैसे हेल्प की। और हम केट कोर्ट के अंदर ये केस हार चुके थे। उसके बाद हमको जाना था हाई कोर्ट, हमने पटना हाई कोर्ट के अंदर अपील की। उसमें कोविड काल चल रहा था और कोविड के चलते उसमें लाइव हियरिंग होती थी, एडवोकेट किया हमने, इतना हाई फाई एडवोकेट भी नहीं कर पाए हम, क्योंकि हमको पता था कि अपने पास आर्थिक सहायता जो हमको मिली है इतनी है कि अपन वकील कर सकते हैं, और वकील से भी हमने एज ए फैमिली टर्म्स बना के उनसे हमने बात की। उसके बाद में हम हाई कोर्ट में भी हार चुके थे। अब बात करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हमने वहाँ के जो अपने सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जाने से पहले बेरोजगार नर्सेज यूनियन जो है दिल्ली के अंदर, उन लोगों से हमने एडवाइज ली, राय ली कि हमको क्या करना चाहिए। उन्होंने हमको बताया कि हम भी तुम्हारे साथ हैं और ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके अंदर हमारे बेरोजगार नर्सेज यूनियन और एम्स पटना टीम हम लोग साथ में थे। तभी क्या होता है कि दो अनएम्प्लॉय थे बेचारे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा था पहले, जो कि उनका केस खारिज कर दिया गया, क्योंकि वो लोग केट कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए और उनका केस खारिज कर दिया गया। अभी हमारी हियरिंग चल रही थी वहां पे, लास्ट डिसीजन आने वाला था 12 जनवरी का, सब लोगों का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि नोट सेट की एग्जाम हुई है और नोट सेट की एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आ गया है, क्यों ना अच्छा डिसीजन आएगा, अच्छा अपने फेवर में आएगा, जो भी डिसीजन आएगा अच्छा ही होगा, अपने अच्छे के लिए सोच के चलते हैं। उसी बीच में क्या किया जाता है, दो लोग अनएम्प्लॉय जो अपने हरीश कुमार जी काजला जी के द्वारा केस लगाया गया था जो चल रहा था, उसके अंदर क्या होता है, वो लोग 11 जनवरी को एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा को 4 वीक का और समय दिया जाए। काजला जी को ऐसा करने की कहां जरूरत पड़ गई थी, काजला जी ने आज तक 80-20 के बारे में देखा जाए तो कभी कोई केस लड़ा नहीं,
कभी कभी आगे आए नहीं, T20 के बारे में कभी बात की नहीं, उन लोगों को क्या होता है, ये अखिल भारतीय नर्सेज यूनियन जो है ANU, जो भी है प्रेसिडेंट बैठे हैं उसके हरीश कुमार काजला जी, तो उनको कोई मतलब नहीं है कि T20 चल रहा है कि नहीं है, क्या मतलब है। उन्होंने आज तक कभी सपोर्ट करने के लिए न हमारे साथ आए न कभी आगे आए, उनको अभी ये राजनीति करने से क्या मतलब था, इतनी गंदी राजनीति करने से क्या मतलब था, जब लोगों का फ्यूचर जस्ट 12 तारीख को डिसाइड होना था, जो भी फैसला आना था अच्छा या बुरा वो अपन पहले डिसाइड नहीं कर सकते। पर कालका जी को क्या डर था कि फैसला नहीं आना चाहिए, ताकि एम्स का रिजल्ट आ गया जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए। अब कल को मान लो नेक्स्ट ईयर जो भी डिसीजन आए, नोट शीट आएगी 2022, उसके अंदर जो भी फैसला आए अच्छा आएगा, पर इस बीच में कितने लोग बेरोजगार हैं जो एज आउट हो जाएंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते, कितने लोग हैं जो ये आशा लेके बैठे हैं। क्या काजला जी आप बिना एग्जाम के आए हो यहाँ पे, उसमें T20 था, अब आपको खुद की सीनियरिटी या अपनी पॉपुलरिटी की पड़ी है वो अलग बात है, छोटे छोटे वीडियो बना के डाल देते हो आप, लोगों को गुमराह कर रहे हो, क्यों ऐसी गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो आप काजला जी, क्या जरूरत पड़ गई आपको, आपको जहां मिलना हो जहां जैसे मिलना हो हम आपसे मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ यूनियन हमारी छोटी सी है कि हम पटना टीम की तरफ से आएंगे, आप बड़े यूनियन के लीडर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी उसी गांव से बिलोंग करते हैं जहां से आप करते हो काजला जी, हम आपसे लड़ सकते हैं छोटे छोटे वीडियो बना के। आपको इतनी गंदी राजनीति करने से क्या मतलब, आपको क्या मिला, ये बात मैं नहीं जितने भी बेरोजगार नर्सेज साथी हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपको इतनी गंदी राजनीति करने से क्या मिला, क्या कर लोगे आप 4 वीक के अंदर, क्या T20 कंप्लीटली खत्म कर दोगे आप, ये बता सकते हो आप कि T20 बिल्कुल खत्म कर दोगे 4 वीक के अंदर, आगे से इन फ्यूचर कभी T20 लगेगा ही नहीं, ऐसा कर सकते हो आप, या फिर एम्स प्रशासन का साथ दे रहे हो आप, ये जवाब आपसे पूरा बेरोजगार नर्सेज मांग रही है, ये आप उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। सही मेरी बात इतनी है, आगे मैं बताऊंगा आपको जब अपना फाइनल डिसीजन आएगा उसमें क्या होता है। और रही बात काजला जी, आपको चेतावनी है कि आप जब भी लाइव आना चाहें या मिलना चाहें, डिबेट करना चाहें, कर सकते हैं फेस टू फेस, जब भी आपकी इच्छा हो मिल सकते हैं मेरे से, मैं नहीं मेरे सीनियर साथी भी साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये गंदी राजनीति करना छोड़ दो, ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा नर्सेज। बाकी आपको बताने के लिए वीडियो मैंने शेयर किया है, आगे आपकी इच्छा क्या करना है, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कंटिन्यू हमारा यही चलता रहेगा जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाए। और हमको नए मेरे को कोई प्रेसिडेंट बनना है आज से पहले, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, और नए कोई यूनियन बनानी है, और यूनियन बना के गंदी राजनीति भी नहीं करनी है, वरना ये सब लोग करना जानते हैं। मैंने देखे हैं बहुत से नेता देखे हैं जो आते रहते हैं लाइव, अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं, ये करना बंद करो। और काजला जी आपको लड़ाई लड़नी थी T20 की जमीनी हकीकत से, शुरुआती दौर से लड़ते आप, आते साथ हमारे, उस दिन कहां गए थे आप, तब कहां थे आप, आज आपको नर्सेज की बड़ी पीड़ा दिख रही है कि T20 हो रहा है और आप एक एप्लीकेशन लगा के इस हियरिंग का जो फाइनल डिसीजन आने आया इसको 4 वीक आगे किसको देते हो, क्यों, ये गंदी राजनीति मत करो, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने नर्सिंग प्रोफेशन को धोखा दे रहे हो। और आज नर्सेज यूनियन जो भी है ना, अपने नर्सेज इसी कारण पीछे है, क्योंकि नर्सिंग के लोग ही अपने आपस में टांग खींचने में लगे हुए हैं। आज ये अगर अच्छा फैसला आता तो किसका फायदा होता, नर्सेज का, नहीं आ रहा तो किसका फायदा हो रहा है, काजला जी का, तो हरीश कुमार काजला ये गलत है, ऐसा मत कर, अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन वापस भी ले सकते हो। अभी मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।